और साथियों जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले एक सवा महीने से हम लोग यहाँ पर हैं और 105 दिन किसान आंदोलन को जारी होते हो गए हैं। यहाँ किसान डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ बारिश धूप गर्मी हर चीज की तपन को हर चीज की ठंडक को महसूस कर रहे हैं। और साथियों जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पर सावित्रीबाई फुले पाठशाला पिछली 22 जनवरी से कंटिन्यू चल रही है और इस पाठशाला के अंदर यहाँ गार्बेज वाले बच्चे यहाँ स्लम एरियाज के बच्चे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। 150 के करीब इस पाठशाला में एडमिशन है। उन्हीं एडमिशन में आए हुए बच्चों को यहाँ डेली पढ़ाया जा रहा है लेकिन साथियों रात बारिश और तूफान के कारण हमारी पाठशाला गिर गई। उस पाठशाला के अंदर जो बांस थे वो फिसल गए और जो तिरपालें थी वो फट गई क्योंकि हवा और बारिश काफी यहाँ पर तेज हुई। तूफान यहाँ बहुत तेज था, हवा तो खैर कम थी, सॉरी बारिश कम थी लेकिन तूफान जो था बहुत ज्यादा तेज था जिसके कारण पाठशाला हमारी गिर गई। और यहाँ जो कपड़े थे, हम जिन कपड़ों में सोते थे बैठते थे आराम से, जिन बच्चों को वहाँ बिठाते थे, वो बच्चों उन कपड़ों में सब में पानी भर गया, गीले हो गए और आप देख सकते हैं कि वो सारे हम लोगों ने सुखाने के लिए डाले हैं इधर अभी। और बाकी हम लोग आपको यहाँ का एक बार विजिट करा देंगे लेकिन अभी जो आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि आज पाठशाला अपडेट हो रही है, सारे बच्चे अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ सब लोगों को कि इधर पाठशाला बन रही है। रात तूफान बहुत तेज था और बारिश थी जिसके कारण सावित्रीबाई फुले पाठशाला गिर गई है और सारा सामान सारे गद्दे रात भीग गए, सुखा रहे हम लोग, गद्दे सूख रहे हैं, पंचशील के झंडे सभी बाहर पड़े हुए हैं, सारी तिरपाल बाहर पड़ी हैं, सारे बांस ये इकट्ठे किए हैं और ये सारी पाठशाला रात गिर गई और हमारे साथियों के रात चोट भी लग गई, काफ़ी लॉस हुआ है। रात सोने के लिए सारा सामान जितना भी हमारे पास था लेटने का तो सारा सामान भीग गया, सारा गीला हो गया, सारे रजाई गद्दे ख़राब हो गए, सारा स्टेशनरी का सामान भीग गया। काफ़ी बचाने की कोशिश की लेकिन वो यहाँ पर ऐसी कोई ठिकाना ही नहीं था जहाँ बचा पाते, और ये बोर्ड पड़े हुए हैं और अब जो है दोबारा से बनानी है, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज बन जाए। और बच्चों को इस वजह से हम लोगों ने क्या कहते हैं दूसरे जो टेंट हैं, जो हमारे दूसरे साथी हैं सहयोगी हैं, उनके टेंट में हमने बच्चे बिठाए हुए हैं आज और बच्चे आज यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पाठशाला गिरी है, हौसले गिरे नहीं है, हौसले हमारे अब भी बुलंद हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। हालात चाहे जो भी हो, स्थिति चाहे जो भी बन रही हो, लेकिन शिक्षा का काम कभी रुकना नहीं चाहिए, शिक्षा की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। हेलो भैया, हाय बोलो, हाय मोबाइल में। इधर जो है ये पाठशाला तैयार चल रही है और ये हमारे साथी लोग लगे हुए हैं, आज सुबह से लेबर लग गई। और शिक्षा के महत्व को महत्वपूर्ण समझते हुए किसान भाइयों ने कहा कि बाकी टेंट बाद में बनेंगे लेकिन पाठशाला पहले बनाई जाएगी, आज लेबर कहीं काम नहीं करेगी। और आज सुबह 8 बजे से लेबर पाठशालाओं को बनाने में लगी हुई है। तो ये देखने के लिए मेरा जो है मन बहुत खुश हो रहा था जिस कारण मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। ये हमारे गद्दे हैं सामने जो इस समय सब गीले हो गए, हमने सूखने के लिए धूप में डाले हैं। और भाई साहब जो है पाठशाला तैयार करवा रहे हैं, भाई साहब कब तक तैयार हो जाएगी? शाम तक तैयार हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, जैसे कि अभी पता चला कि शाम तक पाठशाला तैयार हो जाएगी। और आज हमने बच्चों को मना किया था, कम बच्चे आए या दो चार बच्चे आए किसी भी टेंट में हम बैठकर पढ़ा लेंगे इनको, लेकिन अभी सभी टेंट अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, सब लोग अपना अपना काम में लगे हैं, टेंटों को तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी सड़क पर ऐसे ही बैठे हैं। तो अभी हम लोग यहीं पर क्लास शुरू कर रहे हैं, यही आज बोर्ड भी हम लोग नहीं यूज़ कर सकते तो इसलिए आज 1, 2, 3 ABCD जो बेसिक चीज़ें इन बच्चों की हैं उन पर जो है मैं ही इन लोगों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो भी सब लोग लगे हुए हैं, हमारा जो पूरा संगठन के सदस्य हैं कार्यकर्ता हैं सब लोग पाठशालाओं को अपडेट करने में लगे हुए हैं। तो इस पाठशाला का सबसे खूबसूरत और सबसे होनहार बच्चा कुसार, मैं उनको कहूंगी कि वो फोटोशूट में बहुत आगे रहते हैं, वो कैमरा ले जाएं और सामने रखें। और सारे बच्चे जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे वैसे ही हम लोग आगे करेंगे, जैसे भी 1, 2, 3 की थी ना बच्चों, वैसे अब हम लोग ABCD करेंगे, ठीक है? ओके, मैम, ओ
मैम जी, मैम जी ऐसे बना एप्पल बैग वाले पहला क्यों रहा यार चुप हो। सी फॉर कार, सी फॉर कार, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लावर, जी फॉर ग्रेप, जी फॉर ग्रेप, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हॉर्स, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम खाई थी कल? हां आज फिर खिलाएंगे। Yes, ma'am. Oye, camera. Officer. O for orange. O for orange. P for parent. अपने माइक बोल सीधे उन्होंने। Q for queen. R for rose. R for rose. S for sheep. S for sheep. T for television. T for television. U for umbrella. U for umbrella. V for vegetable. सब बच्चे ऐसे करो। W for watch. W for watch. X for X-ray. Y for yoga. Y for yoga. Z for zebra. Z for zebra. मैम 1-2 कर दो 100 तक। 100 तक ओके। ये देखिए सब बच्चे पढ़ा रहे हैं। देखिए एबीसीडी संतोष से बोल दीजिए। संतोष इन ढंग से करो। ये देखो एबीसीडी ये सब बच्चे 1-2-3 लग जाए यार तू भी लग जा। 4-5-5 बस। इधर ताको सब बच्चे। मैम के लिए पानी ला दे। मैं पानी ला। 17 18 बच्चे इधर ताकत सब लोग। 69 70 71 72 73 74 75 76 जैसे कि आपने देखा ये बच्चे आज जबकि छुट्टी हम लोगों ने करवा दी थी लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट हैं इतने पढ़ाई को लेकर के इतने जागरूक हैं कि इनको ये पता चल गया कि एजुकेशन कितनी बड़ी चीज़ है। इतनी लगन है इन बच्चों में कि हम लोगों को ही पढ़ाते हुए खुशी होती है। हम लोगों को मेहनत करते हुए बहुत अंदर से प्राइड फील होता है कि हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और ये बच्चे तो इतना हम लोगों से जुड़ाव रखते हैं कि अभी पीछे हम लोगों को पाठशाला
क्या कहते हैं, हमने कहा कि हम लोग चले जाएंगे और पाठशाला को किसी की जिम्मेदारी पर छोड़ जाएंगे, पाठशाला चलती रहेगी, बच्चे आते रहेंगे। तो बच्चे रोने लगे और सारे बच्चों ने हम लोगों को जाने नहीं दिया। इनका प्यार, इनकी केयर, जो हमारे प्रति इनका समर्पण है, वो देख करके लगता है कि इनके लिए इनके जीवन को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश हमें करनी चाहिए। और इन बच्चों के पास अगर आप 2 रुपए हैं और इन्होंने 2 के 2 आपको दे देने हैं, ये इतने डेडिकेटेड है हमारे लिए। इन बच्चों में किसी भी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं है, इन बच्चों में किसी प्रकार का कोई भी आगे से ऐसा लालच नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा। आज ये बच्चे अपनी मर्जी से डेडिकेशन के साथ आ रहे हैं। जिन बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, बच्चे पेट में दर्द का बहाना बनाते हैं, स्कूल नहीं जाते, ये बच्चे घर से जबरदस्ती पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। इनके पेरेंट्स को भी हमें समझाया कि आप बच्चे को भेजिए, बच्चे की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और बच्चे जो है क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं आप पकड़। और यहाँ पर टाइम से बच्चे पहले आ जाते हैं, शाम की जो शिफ्ट है वो भी हम लोगों को लेट जो है करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे जाते नहीं है तो हम भी इनको पढ़ाते रहते हैं, हमें भी पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया। जो ये काम है ना, ये बहुत सुकून देता है, लगता है कि सच में हम जी रहे हैं। जीवन कट नहीं रहा है, जीवन जिया जा रहा है। और जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, जरूरत लोगों के लिए कुछ करते हैं जिनको जरूरत है, और खासकर उस सब्जेक्ट पर जब हम काम करते हैं जिससे कि उनके पूरे जीवन को दिशा मिलती है, रोशनी होती है, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई काम नहीं है। आप किसी को कपड़े देंगे तो 1-2 साल में फट जाएंगे। अगर आप किसी को खाना देते हैं तो वो एक टाइम पेट भरेगा, अगले टाइम उसको फिर भूख लगेगी, फिर मांगेगा, और वो मांगता रहेगा, बार बार मांगेगा, तो उसको बार बार जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी को घर देते हैं, वो भी मुझे लगता है कुछ समय तक टूटेगा, उसकी रिपेयरिंग, उसका मेंटेनेंस, उस पर उसको जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है अगर आपने, हमने किसी एक बच्चे को एजुकेशन दे दी, किसी एक बच्चे ने हमारे द्वारा एजुकेशन प्राप्त कर ली और उसने अपना जीवन सुधार लिया, तो मैं समझती हूँ कि वो बच्चा कभी लेने वाला नहीं बनेगा, वो देने वाला बनेगा। और देने वाला बनाने के लिए इन बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इन बच्चों को आप सबकी ज़रूरत है, इस पाठशाला को आप लोगों की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है, तो आप लोग सहयोग करिए। और मैं आप लोगों से अपील करूंगी कि इन बच्चों की आवाज़ आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जिससे कि पता चले कि हाँ, इस तरह का भी कोई इनिशिएट वर्क हो सकता है, ऐसा भी कोई क्रिएटिव वर्क हम लोग भी कर सकते हैं। जो मेरे साथी देख रहे हैं, जो मेरे भाई देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं, वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में ऐसा काम कर सकते हैं। और ये किसान आंदोलन की बहुत खूबसूरती है कि यहाँ सभी जात धर्म और सभी पंथों के यहाँ पर लोग हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग यहाँ बहन भाई की तरह बहुत ही प्यार से रहते हैं, बहुत ही एक दूसरे के केयरिंग, लविंग है ना, मतलब हर चीज़ शेयरिंग करते हैं, हर चीज़ ऐसा खाते हैं कि एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं। रात को 2-2 बजे तक यहाँ पर लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपने अपने राज्य की भाषाओं में बात करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को बोलियाँ सिखाते हैं, एक दूसरे को अपने खान पान के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को उसके बारे में जानकारियाँ देते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ें हमारी अच्छी हैं, हमें जो उनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। तो साथियों, इस पाठशाला को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग शेयर करें, लोगों को बताएं कि इस तरह का काम चल रहा है, इस तरह का काम हम लोग सब कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग करने के लिए केवल दृढ़ संकल्प और अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है, बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। अभी पाठशाला जो है रात गिर गई, यहाँ पर हम लोगों को चोट भी लगी, मेरे साथी के जो है टांग पर बांस गिर गया था, उनको चोट लगी हुई है, वो अभी उधर मेडिसिन लेकर के लेते हुए हैं। साथियों, चुनौतियाँ तो हैं, वो तो रहेंगी, घर के जैसा आराम नहीं है, हमें यहाँ पर कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, ये शायद आप लोग महसूस कर पाएँ जब आप लोग यहाँ 1-2 दिन रह करके देखें। यहाँ रात को इतने मच्छर हैं, इतना मच्छर है कि रात को सोने नहीं देते, हम पूरी रात 2-2, 3-3 बज जाते हैं, बातचीत करते रहते हैं, सोता नहीं है कोई भी, मच्छरों से इतने मतलब परेशान हैं। और गर्मी इतनी बढ़ गई है, तिरपालों के अंदर हवा पास नहीं होती है, तो उसमें गर्मी बहुत है, घुटन रहती है, दिन भर सर में दर्द मेरे बना रहता है, हमेशा तकलीफें हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग हौसले नहीं हार रहे हैं। आप लोग यहाँ आकर सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप लोग वहाँ से सपोर्ट करें। हम लोग बच्चों को स्टेशनरी का सामान अपनी ओर से फ्री दे रहे हैं, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, सारे बुक्स हम लोग अपने पास से खरीद कर ला रहे हैं। इसके लिए आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हमें स्टेशनरी का सामान यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहें तो यहाँ आकर के बच्चों को पढ़ाने में भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और खुशी से आकर के यहाँ कहते हैं, क्या हम अपने आपके बच्चों को 1 घंटे की क्लास दे सकते हैं? दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं कि बहन जी, हम आना चाहते हैं आपके बच्चों को
पढ़ाने के लिए। हम आना चाहते हैं आपके बच्चों के साथ बैठने के लिए, आपके बच्चों के साथ फोटो खींचने के लिए, स्टोरी कवर करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जिन बच्चों के साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था उन बच्चों के साथ आज लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। उन बच्चों के पास आज बैठने के लिए हमसे परमिशन ले रहे हैं कि आप, अगर आपको गलत ना लगे तो हम आपके बच्चों के साथ एक फ़ोटो ले लें, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपके बच्चों को जो है आइसक्रीम खिला दें, हम आपके बच्चों को आज ये खिला दें, हम आपके बच्चों के लिए ये कर दें। तो ये दिल को बड़ी खुशी होती है कि जिन बच्चों से लोग दूर भागते थे, जिनको गंदा कहते थे, जिनको कूड़ा बीनने वाला कहकर उपेक्षित नज़र से देखते थे, जिनके कपड़ों से भी कहते थे कि बदबू आती है, पास नहीं खड़ा कर सकते थे, आज उनके बीच में आकर के बैठ रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है कि उन बच्चों को मैं इस लायक बना पाई कि वो बच्चे आज सबकी नज़र में हीरो बने हुए हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि इनमें से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और एक अच्छे नागरिक बन करके इस पाठशाला के बच्चे मैं उनका आगे भी साथ देती हूँ। आप लोग यदि हमारा साथ देंगे तो इनमें से हम कुछ बच्चों को छांटेंगे, जिन बच्चों को हम देश का भविष्य बनाएंगे, जिन बच्चों को हम देश के लिए कोई एक अच्छा लीडर बन सकता है, कोई अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है, कोई एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है, इन बच्चों के अंदर सारे टैलेंट भरे हुए हैं, कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है, कोई बच्चा सपना लेकर बैठा है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, देश की सुरक्षा करूंगा, देश को सम्मान प्राप्त कराऊंगा। तो ये सारे इन बच्चों के सपने हैं, इन सपनों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इन सपनों को समाज हित में, देश हित में हम लगा सकते हैं और इसके लिए हमें साथ देना पड़ेगा। ऐसे बच्चों का, ऐसे बच्चों के सपनों का, ऐसे बच्चों की भावनाओं की कदर करनी। अगर कुछ साथी कोई सवाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर सवाल छोड़ सकते हैं, मैं पूरे सवालों का यहाँ जवाब दूंगी। माता सावित्री बाई फुले की आज महापरिनिर्वाण दिवस भी है, इस पर हम लोग जो है, हम सब लोग यहाँ आज हम श्रद्धांजलि देंगे। शाम 4 बजे हमने एक कार्यक्रम रखा है पाठशाला में और कोशिश करेंगे कि शाम 4 बजे तक पाठशाला पूरी तरह से तैयार हो जाए। और आज शाम को जितने भी लोग यहाँ पाठशाला में लोग आते हैं, पाठशाला को सपोर्ट करते हैं, पाठशाला में लोग आकर बच्चों के साथ बैठते हैं, और मेरे विचार से जितने भी लोग सहमत हैं, हमारे काम से जितने भी लोग सहमत हैं, वो सारे लोग आज जो यहाँ आसपास में, दिल्ली के आसपास में लोग हैं, वो 4 बजे यहाँ आए, क्योंकि एक माता सावित्री बाई फूले के महापरिनिर्वाण दिवस पर विचार गोष्ठी के बाद में एक उनके लिए जो है पैदल यात्रा यहाँ पर की जाएगी, उनको समर्पित की जाएगी किसान भाइयों की ओर से, किसान गांव की ओर से। इस किसान गांव में जो 2 सड़कें हैं, दोनों सड़कों पर ये रैली निकाली जाएगी और इस यात्रा में इस देश के, इस राज्य के सभी राज्यों के लोग इकट्ठे होंगे, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि गुजरात के लोग भी हैं, राजस्थान के लोग भी यहाँ हैं, तमिलनाडु के लोग भी यहाँ हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ हैं, सभी राज्यों के लोग इकट्ठा होकर के आज माता सावित्रीबाई फुले की महापरिनिर्वाण दिवस पर एक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे शाम को। तो मैं आप सब लोगों को उसमें सादर आमंत्रित करती हूँ, जितने भी लोग हमें जानते हैं, जितने भी लोग यहाँ पाठशाला में रोज डेली 100-150 लोग यहाँ मिलने के लिए आते हैं, वो आज स्पेशली 4 बजे यहाँ उपस्थित हों, जिससे कि आज एक अच्छी विचारधारा के साथ हम लोग इस पैदल मार्च को निकाल सकें, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले के जीवन को लेकर के जिन लोगों में अभी जागरूकता नहीं है, उन लोगों में इस बहाने जागरूकता पहुंचे, इसके उद्देश्य से हमने ये पैदल मार्च की शुरुआत की है और तैयारी चल रही है। सबको हमने फ़ोन भी किए हैं, मैसेज भी किए हैं और आज फेसबुक लाइव से भी मैं आप सब लोगों को सूचित करती हूँ कि आज शाम को 4 बजे सब लोग इकट्ठा हों, आज शाम 4 बजे 10 मार्च को हम लोग सब इकट्ठा होकर के इस पैदल मार्च को हम लोग सफल बनाएंगे और माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर जगह जगह हर 10 कदम 20 कदम की दूरी पर रुक करके लोगों को जागरूक करेंगे कि उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया और देश की महिलाओं को, उनको पढ़ना कितना जरूरी है और देश की महिलाओं के लिए उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किए, क्या क्या उन्होंने त्याग बलिदान दिए और महिलाओं का जीवन आज कौन सी देवियों के कारण, माता सावित्रीबाई फुले के कारण जो आज सुरक्षित है और संपन्न है और अच्छा है, स्वाभिमानी है, तो इसके पीछे सावित्रीबाई फुले ने क्या सोचा था, क्या विचार था और आगे हम महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना है, इसी पर हम लोग शाम को इस पैदल मार्च को सफल बनाएंगे। इसके साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय सावित्रीबाई फुले पाठशाला। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।